कादरी भी है, मौलाना कादरी का परिचय यह है कि ये बहुत धमकियां दे चुके हैं, इन्होंने बोला कि मैं जब सामने आता हूं तो कोई पैनलिस्ट बोल नहीं पाएगा, इस तरह की धमकियां दे चुके हैं, हालांकि माफी भी मांग चुके हैं उसके बाद। मैं सीधा कादरी साहब आपका रुख करता हूं। गौरव भाटिया आप अपना वीडियो को ठीक करिए, कुछ दिक्कत आ रही है। मैं मौलाना कादरी के पास सीधा चलता हूँ। और मौलाना कादरी, रमजान का महीना है, बड़ा पाक महीना है, तो ये जो आपके मौलाना साहब हैं ये ज्ञान तो भरपूर दे रहे हैं लेकिन सामने नहीं आ रहे। पहली बात तो ये है कि जो है मैं जो माफी का जुमला बोला था कि अगर मेरे जुबान से अगर मेरे जुमले से किसी को तकलीफ हुई है तो बहसे के मुसलमान उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ बोला था, और आज भी उस पर कायम हूँ। और जो मेरा बयान था वो बयान पर भी मैं कायम हूँ। मैंने जो बात कही थी कि भाषा का प्रयोग किसी भी मजहबी धर्म गुरु के मुतालिक सीधा होना चाहिए, तब भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ और आइंदा भी बोलूंगा। और मैंने आपसे कोई माफी नहीं चाही थी, आपसे मेरी कोई बात नहीं हुई थी, ये बात को मैं क्लियर करना चाहूंगा। ये गलत नहीं कर रहे हैं कि निंदा करेंगे। गौरव होल्ड ऑन, गौरव होल्ड ऑन, लेट हिम स्पीक। मौलाना साथ को आदर पूर्वक बुलाना चाहिए। क्या कैसे बुलाना चाहिए मौलाना साथ को? रिस्पेक्टेड मौलाना साथ कैसे बुलाना चाहिए आप ही बताइए, कैसे कैसे बुलाया जाए मौलाना साथ को? केवल वो मौलाना है, उनको मौलाना बुलाया जाता है, उनका नाम साद है, साद बुलाया जाता है, श्री मौलाना साद बोला जाए, रिस्पेक्टेड मौलाना साद बोला जाए, क्या बोला जाए? मुल्ला बोला जाए, मुल्ला भगवान तारिक फतेह कह रहे हैं, मुल्ला बोला जाए, गद्दार, हाँ। गद्दार साथ, गौरव भाटिया कह रहे हैं गद्दार बोला जाए, मुल्ला अपने आप एक एक करके। कादरी आदरणीय कादरी साहब आप बोलिए, उसके बाद देखता हूँ। यही बात कि जब तक के मौलाना साहब पर कोई कोर्ट ऑफ जस्टिस डिसीजन नहीं देता, ना हम उन्हें गद्दार बोल सकते हैं, ना हम उन्हें कुछ बोल सकते हैं। जब कोर्ट ऑफ जस्टिस उनके मुतालिक कोई फैसला सुनाएगा, अगर उनको गद्दार कोर्ट बोलेगा तो हम भी आपके साथ में गद्दार जरूर नहीं, फिर अगर उनको सामने नहीं आना चाहिए। अभी एमएचए की खबर आई है, 40,000 लोगों इन्फेक्ट हो सकते, 40,000 लोग आइडेंटिफाई हुए हैं। अब आप मुझे बताइए, हम हर चीज को मान रहे हैं, 40,000 हो, 30,000 हो, जितने भी जमाती सर मरकज में जाकर, 30,000-40,000 रैली की भीड़ नहीं है, ये वो लोग हैं जो तबलीग में गए थे, या कोरोना आए हुए थे, ये मस्जिद में, ये मस्जिद की तकरीर नहीं है कि 30,000 लोग आ गए, 40,000 लोग आ गए। दो तीन सवाल है आप मुझे, एक सेकंड गौरव भाटिया, अगर आप मुझे एक मिनट का समय दे। गौरव भाटिया एक सेकंड, कादरी साहब बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि 40,000 हो या 30,000 हो, जितने भी लोग मरकज का प्रोग्राम अटेंड किए थे, उनको चाहिए कि फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू हो। और ये जो है फौरी तौर ही तो नहीं आ रही है, जो फैल रहे हैं इसको फौरी तौर पे रोक लगाने के लिए हर एक को गवर्नमेंट के साथ, पुलिस के साथ कोऑपरेट करना लाजिम है। हर भारतीय को जरूरी है कि वो फिलहाल गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करे, पुलिस के साथ कोऑपरेट करे। अगर उनमें कोई भी ऐसी चीज नजर आ रही है तो फौरी तो तौर पे वो डॉक्टर्स के पास जाए, ये हमारा कहना है। ठीक है मौलाना कादरी, आपने अपनी बात बोली, तारिक फतेह रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं क्योंकि वो पहले भी बोलना चाह रहे थे, फिर मैं मुजीबुर रहमान और गौरव भाटिया आपके पास आऊंगा। तारिक फतेह फौरी तौर पे आए लेकिन वो फौरी तौर ही नहीं आ रही। देखिए, एक जो खौफ पैदा किया हुआ है हमारे जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो लीडर हैं या मौलाना हजरात हैं, उलमा हैं, इन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि ये मुल्क, ये धरती पहले, धर्म हमारा बाद में। ये फंडामेंटल एरर है ऑफ द मुस्लिम प्रेजेंस इन इंडिया। ये तो 1920 से समझिए, मौलाना मोहम्मद अली जौहर अली के ज़माने में, उस वक्त भी तुर्की में क्या हो रहा था, इनको पीड़ यहाँ हो रही थी। आपके बहुत सारे लोगों ने, आपके पहले एजुकेशन मिनिस्टर में भी कलकत्ता में एक स्पीच की लेकिन थी, तारिक फतेह, मेरा निवेदन है कि मौलाना साद का नाम आप तमीज से लीजिए, नहीं तो कादरी साहब नाराज हो जाएंगे। अरे यार, हमें क्या पता, जो जिसका जिसके घर में स्विमिंग पूल हो, हम तो वैसे ही किसी की इज्जत नहीं करते। गाड़ियां रखी, पैसे रखा हुआ है, और आप अंदाजा लगाइए कि इस्लाम के अंदर ये जो जद्दी पुश्ती हायरार्की है, ये हराम है, और ये अपने दादा की कुर्सी पकड़ के बैठे हुए हैं।
बताइए कादरी साहब, बोलिए 30 सेकंड में देता हूँ आपको 30 सेकंड। देखिए साहब, किसी भी धर्म, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, कोई भी धर्म गुरु हो, जब तक के उनका जी हम आपको कनेक्ट कर...